रीवा जिला अस्पताल में किलकारी अभियान के तहत हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य रक्षा तथा खून चढ़ाने के लिए विकास खंडवार शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक राजेंद्र शुक्ला, कलेक्टर मनोज पुष्प पहुँचे और शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि किलकारी अभियान की शुरुआत की गई है। पिछले 4 दिनों से हर ब्लॉक में यह शिविर चल रहा है, जहां उनकी जांच सोनोग्राफी की मदद से की जा रही है। आइए सुनते हैं महिला बाल विकास अधिकारियों के साथ कलेक्टर मनोज पुष्प और विधायक राजेंद्र शुक्ला ने क्या कहा। किलकारी अभियान रीवा जिले में चलाया जा रहा है, जो माननीय कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में है। इसकी शुरुआत कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में कलेक्टर सर के द्वारा किया गया है। किलकारी अभियान में जो मेन हमारा फोकस है वो हाई रिस्क गर्भवती महिलाएं हैं, जो एनीमिक महिलाएं हैं, जिनका बीपी हाई रहता है या उनको और कोई जटिलता है, ऐसी सभी महिलाओं को हम गांव-गांव हम लोगों ने सर्वे कराया था आशा और एएनएम का। उस सर्वे के माध्यम से जो महिलाएं निकल के आई हैं उनको चिन्हित किया गया है एक गांव में, और उन सभी महिलाओं को अब कैंप 1 तारीख से हमारा ये किलकारी का शिविर चलाया जा रहा है, जिसमें दो दो ब्लॉक करके, पहले दिन जो हमारे यहाँ जवा और गंगियों की महिलाएं आई थी, दूसरे दिन हमारे यहाँ रायपुर और गोविंदगढ़ की आई थी। आज अभी ये कैंप चल रहा है जिसमें सिरमौर और त्योथर की महिलाएं आई हैं। किस प्रकार चिन्हित करती हैं गर्भवती महिलाओं को? ऐसा करता इनका हीमोग्लोबिन चेक किया, सबसे पहले जो हमारे यहाँ मैटरनल डेथ का मेन रीज़न है वो है एनीमिया, खून की कमी, ये सबसे बड़ा कारण है। तो वो डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर सभी एनएम के पास उपलब्ध है। पति माताओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं देने के लिए एक किलकारी अभियान की शुरुआत की गई है, और पिछले 4 दिनों से डिफरेंट ब्लॉक्स की गर्भवती माताएं यहां आ रही हैं। उनका हर तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं, सोनोग्राफी किया जा रहा है, और आवश्यकता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी किया जा रहा है। हम लोगों की ये कोशिश है कि ज़िले की जितनी भी हाई रिस्क गर्भवती माताएं हैं उन सबको एक बार जिला अस्पताल में चेकअप करा दिया जाए, उनके सारे इन्वेस्टिगेशन हो जाए और आवश्यकता अनुसार उनको सारी सुविधाएं प्रदान की जाए, ताकि वो एक स्वस्थ शिशु को जन्म दें और उसमें कोई तकलीफ नहीं। बच्चे को ठीक से जन्म नहीं दे पाती हैं और बच्चे भी कमज़ोर होते हैं, यदि उनमें खून की कमी है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि जिला प्रशासन ने पिछले दिनों एक ब्लड कैंप आयोजित किया था, और जिसमें 450 यूनिट ब्लड डोनेट किया, जिसमें कलेक्टर साहब ने भी ब्लड डोनेट किया था, एसपी परिवार सहित उन्होंने भी किया था, और बहुत से नौजवानों ने और प्रबुद्ध लोगों ने जो डोनेट किया, उस ब्लड का आज उन गर्भवती गरीब माताओं बहनों को लगाया जा रहा है जिनके परिजन खून देने में डरते थे, और गर्भवती होने के बावजूद उनको आवश्यक खून की कमी के कारण बच्चे का और उनका जीवन खतरे में रहता था, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके हर जनपदों से ला के, और आज यहाँ पर जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य के हमला पूरा लगा हुआ है और उनको ब्लड चढ़ाने का काम, सोनोग्राफी की जांचें हो रही हैं, तमाम तरह की खून की जांचें हो रही हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो कैंप है उसको उसके कारण आज यहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा माताएँ बहनें दिखाई दे रही हैं।